इस जेईम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टू डिस्क गिवन है ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन एंड आई टू रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड्स ऑफ ओमेगा टू दोनों को फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में लाया गया है पूछा गया है कि हाउ मच विल बी द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सो हेयर एज वी नो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व हैंस वी कैन राइट द इक्वेशन आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश हेयर आई डैश इज द कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी आई वन प्लस आई टू एंड ओमेगा डैश इज द कंबाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द टू डिस् आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट एंडनेटिक एनर्जी फाइनल कैन बी रिटर्न एज हाफ आई डैश ओमेगा डैश स्क्वायर एंड कायनेटिक एनर्जी इनिशियल कैन बी रिटेन एज हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर प्लस हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर नाउ लेट्स कैलकुलेट द आई डैश एंड ओमेगा डैश वैल्यूज आई डैश एस जी वी हैव डिस्कस आई वन प्लस आई टू हैंस ओमेगा डैश कैन बी रिटेन एज आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू अपॉन आई वन प्लस आई टू नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द काइनेटिक एनर्जी फाइनल एक्सप्रेशन वी विल कैलकुलेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विच कैन बी रिटेन एज ई इनिशियल माइनस ई फाइनल पुटिंग द रेस्पेक्टिव के ई इनिशियल एंड के ई फाइनल इन दिस एक्सप्रेशन We get this following. After further solving this expression, taking 1 by 2 as common, the I1 plus I2 gets cancelled out from the omega dash square and the moment of inertia. Taking I1 plus I2 as the LCM and further solving. Now we cancel out the i1 square omega1 square and i2 square omega2 square. After this we get the remaining terms as shown. Taking i1 i2 common, we get omega1 square plus omega2 square minus 2 omega1 omega2. This can be written as omega 1 minus omega 2 whole square. Hence, this simplified expression matches with the option C. Option C is the answer.